हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी और एक लाइन है। ये लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4 इस ए बी लाइन को किसी रेशो में डिवाइड कर रही है, तो हमें वो रेशो फाइंड आउट करनी है। मान लेते हैं ये जो लाइन है वो ए बी को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और रेशो अपन लेट कर लेते हैं के रेशो 1। चलिए P के पॉइंट्स लगा लो x कोमा वाई। तो x को कैसे कैलकुलेट करेंगे, m मल्टीप्लाई बाय x2 n मल्टीप्लाई बाय x1 अपॉन m प्लस n। तो पहले x कैलकुलेट हम लोग यहाँ पर करेंगे। m की वैल्यू k है, x2 की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू 2 है और नीचे m प्लस n यानी कि k प्लस 1। तो x आ गया मेरे पास 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1। तो ये x की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो गई। इसी तरीके से अब हम लोग y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। y इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय y2 n मल्टीप्लाई बाय y1 अपॉन m प्लस n, k मल्टीप्लाई बाय 7 तो 7k लिख देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 तो माइनस का 2 लिख देंगे और नीचे k प्लस 1 आएगा। तो y आ गया 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1। तो इसका मतलब है x और y की वैल्यू जो है वो k की टर्म्स में हमारे पास आ गई। अब ये जो पॉइंट P है वो इस लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करता है, तो मतलब ये लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस वाई 4 को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो 4 प्लस का x की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 और y को पुट करेंगे 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू में 4 आएगा। नाउ 2 इंटू 3 6k 2 इंटू 2 4 अपॉन k प्लस 1 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 4। के प्लस 1 एलसीएम ले लेंगे तो मेरे पास आएगा 6k प्लस 4 प्लस 7k माइनस 2 इज इक्वल टू 4। 6k और 7k को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 13k। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। k प्लस 1 को क्रॉस कर दो तो ये बन जाएगा 4k प्लस 4, मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने 13k एज इट इज, 4k इधर आके माइनस का और 2 उधर जाके माइनस का तो 9k इज इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू आ गई मेरे पास 2/9। तो रेशियो हमने क्या लेट किया था, k रेशियो 1, तो 2/9 रेशो 1 जिसे हम लोग क्या लिख देंगे, 2:9 लिख देंगे। और इस तरीके से ये हमारा डन हो गया, हमने यही रेशो फाइंड आउट करनी थी। थैंक यू।